Hi everyone, welcome to Gilj Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for you, and totally we are providing you free of cost online coaching for various examinations. So this is current session 100 most important current affairs. ये जो करंट अफेयर्स रहता है हमारा 100 क्वेश्चन हम पिक करते हैं और हम गारंटी करते हैं कि जब भी आप आगे अपकमिंग एग्जाम देंगे और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, अभी हाल फिलहाल के अंदर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, आरआरबी पीओ का पेपर हुआ है, बच्चों ने जो हौसला था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशनल लाइन बोलने के बाद में मैं आज की सीरीज को शुरू करूंगा कि एक छोटा सा परिंदा था, उसको बंद कर रखा था और वो क्या कह रहा था अपने आप से कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ना बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ना बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की वेब से मत समझ ए नंदा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ नंदा, जितनी गहराई अंदर है उतना बाहर तूफान बाकी है। तो ये मान के चलिए कि आपका अगर आपको कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही, या हम यूं समझें कि कामयाबी अभी देरी से आ रही है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम आपकी कामयाबी के लिए गारंटी लेते हैं कि आपको मैथमेटिक्स की, जो कि अपकमिंग पंजाब गवर्नमेंट में पटवारी के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, पंजाब पटवारी की भर्तियां आगे आने वाली हैं, एक्सपेक्टेड इसी मंथ में आ जाएंगी प्यारे बच्चों, तो उसकी मैथमेटिक्स की क्लासेस कंटिन्यू चलती हैं। आप प्रॉपर तरीके से देखिए एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शनों में आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। इसके लिए 30 सेकंड्स का मैं टाइम दूंगा, टाइमर नहीं है बेशर्ता। कोशिश ये करें कि अपना आंसर देने की को प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए, आपकी आदत बन जाए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा बाय द यूएस एयर फोर्स ऑन अगस्त 6, 1945। पहला क्वेश्चन यही बन गया कि जो यूएसए ने ये बॉम्ब कहां फेंका था, हिरोशिमा कहां पर है, ये आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जापान है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है। सेकेंड आपको पूछा जा सकता है डेट, एग्जैक्टली रेलवे के पेपर में ये पूछा गया था कि पाकिस्तान इंडिया से जब अलग हुआ है, उनका डिवीजन हुआ है, तो कौन से आर्टिकल में आता है, सुप्रीम कोर्ट के कौन से आर्टिकल में आता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा पर यूएसए एयरफोर्स के द्वारा जब अटैक किया गया था, एटॉमिक बम ड्रॉप किया गया था, तो वो कब किया गया था, तो आपने याद रखना है 6 अगस्त 1945। अब बात आती है व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक, तो आपको चार ऑप्शन देखने हैं, फैट मैन, फैट बॉय, लिटिल बॉय एंड लिटिल मैन। तो गाइस इसका जो आंसर होगा आपका, द आंसर विल बी सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं यहां पर सी ऑप्शन टिक कर दूंगा, तो लिटिल बॉय का नाम था इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पहले मैं आपको स्टेटस फैक्ट बता दूं पूरे। ध्यान रखिए कि 6 अगस्त 1945 को 8:15 मॉर्निंग के टाइम में यूएसएसबी 20B-29 बॉम्बर एनोमा गे ड्रॉप्ड एंड 20 किलोटॉन, यानी 20 किलोटॉन एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय ऑन हिरोशिमा, विच, अब इसने क्या किया था, बहुत तहलका मचा दिया था कि लगभग 80,000 लोग यहां पर इंजर्ड मर चुके थे, 12,000 लोग मिसिंग हो गए थे और 40,000 लोग वंडर यानी जख्मी हो गए थे। 9 अगस्त 1945 लगभग 11:01 यानी 3 घंटे के बाद में मैक्सिमम अनदर यूएसए बॉम्बर ड्रॉप्ड 21 किलोटॉन एटॉमिक बम, फैटमैन के नाम से उसे जाना जाता है, तो अनदर ऑफ जापानीज सिटी और नागासाकी। याद रखिए सबसे ज्यादा आपको हिरोशिमा का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका नाम लिटिल बॉय था, लेकिन याद रखना है कि जो 21 किलोटॉन का था उसका नाम क्या बताना है आपने, फैटमैन। बढ़ते हैं आज के सेकेंड, कौन से चार ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन होगा, केरला, गाइस गुजरात, असम एंड आंध्र प्रदेश। मैं इनके प्यारे बच्चों आपसे स्टेटस फैक्ट पूछता चलूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इनके स्टेटस फैक्ट बताते चलेंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले यहां बेसिक चीज बता दूं, हम जो स्टेटस फैक्ट कवर करेंगे, हम जो स्टेट है उसकी कैपिटल पकड़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पकड़ेंगे यहाँ का पीएम को, माफ कीजिए सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर,
अगर बात करें इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में कैपिटल एंड करेंसी एंड प्रेसिडेंट और पीएम, ये प्यारे बच्चों स्टैटिस फैक्ट रहेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन की चीरफाड़ करके पूरा चिथड़ा कर देंगे हम लोग, पूरे का पूरा मतलब दही रायता नहीं मिक्स करना है आपको, पूरे तरीके से हलवे की तरह इसको खा लेना है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। केरला की बात करते हैं प्यारे बच्चों, स्टैटिस फैक्ट आपको ध्यान रखना है केरला की, हर बार बताता हूं मैं, ताकि मैंने ये वादा किया आपसे कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से याद करवा दूंगा। केरला के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयम, नोट कीजिएगा पिनाराई विजयम, मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, और यहाँ के गवर्नर सदाशिवम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या नेम है, उनका नाम है विजय भाई रूपानी, जिसको हम वीआर रूपानी भी कहते हैं, और यहाँ के गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। असम की बात करते हैं तो असम में है सर्बानंदा सोनावाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ESL नरसिम्हा यहाँ के कौन है, गवर्नर है। इस क्वेश्चन का जो बेसिक पर्टिकुलर जो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लेकिन इसके थोड़े स्टेटिस फैक्ट पढ़ लीजिए आप। जेत्यू जो स्कल्पचर है एट द जेत्यू अर्थ सेंटर, ये पूछा जा सकता है आपसे, जो कि कॉलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर केरला में है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, कॉलम डिस्ट्रिक्ट में, इतनी वन लाइनर याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैरियो जोमेस रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है क्या ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों डी होगा। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की कैपिटल आपको मुझे बतानी है, एंड करेंसी मैं आपसे चाहता हूँ या प्रेजिडेंट बता दें। रशिया की स्टेटिस फैक्ट आपको बता देता हूँ, इसकी जो कैपिटल सिटी है, इसकी कैपिटल सिटी मॉस्को, और इसकी जो करेंसी है रूबले, और इसके जो प्रेजिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, सब लोग जानते हैं अच्छे से, गुड। फ्रांस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, फ्रांस की स्टेटिस फैक्ट आपको बताने हैं मुझे, फ्रांस की जो कैपिटल सिटी है वो पेरिस है, और यहाँ की जो करेंसी यूरो है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमानुल मैक्रोन है। कुछ चीजें मैं भी दिमाग से मेरे इधर उधर हो जाती हैं, बेशर्ता आपको रिपीट करवाता रहूंगा मैं। यहाँ पर बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, और यहाँ की करेंसी है यूरो, एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है फ्रांक वॉल्टर, एंड यहाँ जैसे पीएम होता है, और यहाँ पर चांसलर, चांसलर का नाम है एंजेलो मार्कल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़े, आप इसको मैक्सिमम टाइम शेयर कर दीजिए, विद्वान बंधुओं शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऊपर वाले अंगूठे से आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ताकि किसी न किसी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो कम से कम उन बच्चों को अच्छा नॉलेज इसके बारे में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेटिस फैक्ट देख लीजिए, जर्मनीज मैरियो जोमेज रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, मैरी जोमेज 33 33 साल के थे, और जिन्होंने डेब्यू 2007 में किया था, और इन्होंने 31 गोल दागे हैं, और 78 इंटरनेशनल अपीयरेंस यानी 78 इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए थे उनमें पार्टिसिपेट किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु मेंटेन द टॉप स्पॉट इन मेंस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल वर्ल्ड सिंगल रैंकिंग। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर बन चुका है प्यारे बच्चों कि आपको बहुत बार पूछा जा चुका है कि ATP फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि कृपया आप जरूर गूगल पे सर्च करके, जहां भी सर्च करके आप लिखिएगा ATF का चेयरमैन कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, आप जरूर बताइएगा। इसमें से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सिंगल रैंकिंग के लिए किसका नाम आता है, राफेल नडाल का, किसका नाम आएगा, राफेल नडाल का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट बाय स्टार्टिंग इट्स ऑन एप बेस्ड द टैक्सी सर्विस कोल्ड। टैक्सी सर्विस कोल्ड के लिए आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर न्यूज के मुताबिक ऐसा कौन सा राज्य है जो बना है पहला स्टार्टिंग ऑन इट्स ऐप बेस्ड। तो प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि उस ऐप का नाम क्या है, गोवा क्विक गो, गोवा ट्रैक, गोवा माइल्स या गोवा ट्रिप। सो देर आर फोर ऑप्शन आर गिवन, सो आपको बताना है करेक्ट इसका क्या आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा सी। गोवा की बात करते हैं, गोवा के कैपिटल सिटी की बात करेंगे तो गोवा के कैपिटल सिटी मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है, गोवा के कैपिटल सिटी, प्लीज आपको मैं एक एक सेकंड्स का बीच में टाइम रोकता चलूंगा, मनोहर पारिकर जो कि फॉर्मर
कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है मनोहर पारिकर, आपको याद होगा। एंड यहाँ की जो कैपिटल है उसके बारे में पणजी का पता है आपको, और यहाँ के गवर्नर हैं वो है मरुदुल्ला सिन्हा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसकी स्टेटस फैक्ट आप अवश्य चेक कर लीजिएगा, आपको गिवन है ऑलरेडी, आप पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट करवाता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों बात, उच्चतर शिक्षा अभियान एम्स टू प्रोवाइड द फंडिंग टू, किसे प्रोवाइड करवाना इनका एम है? ये फिर से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, हायर एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, या एम्स हॉस्पिटल इन इंडिया, बैंक्स इन इंडिया एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। देर आर फोर ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। तो इसका जो प्यारे बच्चों आंसर होगा वो होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आपको याद रखना है कि यूजीसी को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब उसकी जगह क्या होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसके स्टैटिस फैक्ट आपको गिवन ऑलरेडी कि आपको याद रखना है अच्छे से। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2013 के अंदर पास किया शुरू किया था। आफ्टर द सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टू एम्स टू प्रोवाइड फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन कंट्री, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप लिख सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन आइडेंटिफाई एज ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाई नीति आयोग फॉर RUSA स्कीम, RUSA स्कीम। अब आपको बताना है कितने ऐसे जिले हैं जो इस स्कीम के तहत आइडेंटिफाई किए गए हैं। चार ऑप्शन फिर से दे रखे हैं, बताना है क्या इसका करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन होगा डी 117, जो एस्पिरेशनल है डिस्ट्रिक्ट्स फॉर RUSA स्कीम, दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन सिलेक्टेड। यहाँ पर हम बात करें कि जैसे कि कास्ट सेंसस के आधार पर हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन अच्छा है, तो नीति आयोग ने ऐसे जिले हैं जो देश भर के अंदर 117 जिलों को नॉमिनेट किया है। अब उन जिलों को क्या एक्स्ट्रा कोर्स दिया जाएगा, एक्स्ट्रा उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो आगे बढ़ सकें। आपसे क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्री, सो फिर से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये थाईलैंड। प्यारे बच्चों अब जब भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी देश के साथ जैसे युद्ध अभ्यास की बात है, या हमारे देश के पीएम किसी भी देश के विजिट पर जा रहे हैं, या बात करें कि हमारे देश के प्रेसिडेंट किसी पे जा रहे हैं, या किसी भी अन्य देश के प्रेसिडेंट या पीएम, ठीक है, या फॉरेनर मिनिस्टर इंडिया में आते हैं, कोई इवेंट है, तो प्लीज इनको आपको चाहे रट्टा मारना पड़े, इनको क्रैम करना पड़े, प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चन टल जाए, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। श्रीलंका की बात करें तो हम्बनटोटा यहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही फेमस है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंदर अपनी अथॉरिटी में ले लिया है। यहाँ की कोलंबो, यहाँ की कोलंबो, प्यारे बच्चों कोलंबो यहाँ की कैपिटल सिटी है। बात करते हैं थाईलैंड की, थाईलैंड की स्टैटिस्फेक्शंस ऐसे हैं प्यारे बच्चों, जहाँ से हर साल आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं बार बार आपको रिपीट करवाता हूँ इन बातों को ताकि आप अच्छे से याद कर लें और आपको फिर कहीं प्रॉब्लम ना आए। थाईलैंड की जो कैपिटल सिटी वो है बैंकॉक, मैं रिपीट करवा देता हूँ बैंकॉक। थाईलैंड की जो करेंसी है वो याद रखना है कि थाई, जिसको बोलते हैं कि बहत, थाई बहत, बस आप इतना याद रख लेंगे तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो यिंगलक हम बात करेंगे कि सिनावात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यूएस बेस्ड प्रो खालिस्तान ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस वुड होल्ड्स इट्स फर्स्ट ग्लोबल रैली एट, कहाँ पर हो रही है? जिसको हम बात करें कि अभी हाल ही के अंदर न्यूज बनी हुई है, सिख रिफरेंडम की बात, 2020 की बात है, वो रैली हो रही है, कहाँ पर हो रही है? रोम, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो ये आपको फिर से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये लंदन में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली बात, अब बताना है कि रोम किसकी कैपिटल सिटी है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किसकी कैपिटल सिटी है रोम। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ के बताइएगा ताकि किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत आती है तो अच्छे से बता सकता है। चलिए ठीक है, तो मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ, क्या आपको बताना है कि इटली की है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क, क्या आपको बताना है कि न्यूयॉर्क किसकी कैपिटल है, या कोई कैपिटल नहीं है, नन। लंदन किसकी कैपिटल है, यूके की है या यूएसए की है,
पेरिस की बात करें तो ये फ्रांस की कैपिटल है, या मैं बात करूं कि ये कंट्री का नेम अपन रख देते हैं सेकंड, इसमें जर्मनी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्टेटिस फैक्ट ऑलरेडी गिवन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एम के चीफ मथुवेल द करुणनिधि वॉज मेड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फॉर द फर्स्ट टाइम इन कब बने थे? हाल ही के अंदर आपको पता होगा, करुणनिधि जिनका देहांत हो गया है और उनकी लंबी आयु के बाद में इनका देहांत हुआ है प्यारे बच्चों, तो वो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के कब बने थे आपको बताना है। ऑप्शन तो ये है 1969, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम। तो इनकी 94 94 साल की आयु में इनकी डेथ हो गई है, और याद रखना कि इनकी जिंदगी में कभी भी इन्होंने इलेक्शन नहीं हारा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डीएम के पार्टी लेड बाई करुणानिधि ऑफिशियली चेंज द नेम ऑफ मद्रास टू चेन्नई, आपको बताना है। फिर से चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन आता है 1996। स्टैटिस फैक्ट ऑलरेडी आपको गिवन है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी टाइम्स डीएम के चीफ करुणानिधि सर्व्ड ए तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, कितनी बार वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ये 5 बार बने हैं, याद रखिएगा। और आपको दूसरा पूछा जा सकता है कि पंजाब के ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जिनको 5 बार अपना नेतृत्व के अंदर मुख्यमंत्री बने, उनका नेम आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि कब कब बने हैं, इसमें मैं आपको स्टेटिस फैक्ट ऑलरेडी गिवन है। 1969 से 71 के बीच में, 71 से 76 और 89 से 91 एंड 96 से 201 तक, और 206 से लेकर, माफ कीजिए, 2006 से लेकर 2011 तक। अगली सीरीज पर बढ़ते हैं हम। अगली सीरीज पर फिर मैं आपको रिपीट करवाना चाहूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विल ट्रांसफर कितना करोड़ इन इट्स सरप्लस मनी टू द गवर्नमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2018। चार ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आपसे आंसर बताना है क्या होगा इसका। इसका जो करेक्ट होगा 50 करोड़ रुपए। अब आपको ये बताना है कि 50 करोड़ रुपए है वो सरप्लस मनी गवर्नमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 2018 तक। आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम उर्जित पटेल, एंड जो इसके डिप्टी गवर्नर है प्यारे बच्चों उनका नेम आपको याद रखना है कि सुधीर माकंड। क्या नाम है? सुधीर माकंड, ठीक है। और इनका जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और आर्टिकल 1934 के तहत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसने इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नरेश सिंह। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI रेज द एंट्री फी ऑफ विजिट ताजमहल 1,000 से लेकर कितना पैसा टू फॉरेन टूरिस्ट, एंड 40 रुपये से लेकर कहाँ तक है डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1,000 से 11,000 तक फॉरेन के हैं, और 40 से लेकर 50,000 तक है डोमेस्टिक टूरिस्ट है। अगस्त 9 किस रूप में मनाया जाता है या किस लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका ए होगा, जिसको बोलते हैं अगस्त क्रांति दिवस। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो 20 ओलंपिक्स व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू बी इंट्रोड्यूस फॉर द सिक्योरिटी चेक द पार्टिसिपेंट्स। चार ऑप्शन आपको फिर से दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी न्यूज में रहा है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर बनेगा डी बनेगा। इसके ऑलरेडी आपको स्टेटिस फैक्ट दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समर ओलंपिक, देखो ओलंपिक दो तरीके से होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है विंटर ओलंपिक और एक होता है समर ओलंपिक। दोनों 4-4 साल बाद में आयोजित किए जाते हैं। 2020 में ये कहाँ होगा? जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में होगा 2020 में, याद रखिएगा। एथलीट्स एंड द स्टाफ विल बी स्कैन बाय द कटिंग एज एंड द फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, आप अच्छे से समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्कल्पचर, चार ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका फोर्थ होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। यह हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। एन 8th सेंचुरी द स्टोन द स्कल्पचर ऑफ गॉडनेस दुर्गा एंड द 3rd सेंचुरी द लाइम स्टोन द स्कल्पचर हेड ऑफ द मेल डेटी विल बी रिटर्न टू द इंडिया बाई द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द US। आगे बढ़ते हैं। Who is appointed as the CMD of Escort Company? Escort Company की CMD किसी तैनात इस पद के लिए योग्य माना गया है? तो आपको चार ऑप्शन फिर से गिवन है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका नाम है निखिल नंदा। तो आपको प्यारे बच्चों
आगे इसके बारे में फुल डिटेल दे रखी है। स्कॉट फार्म एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेकर ये कंपनी है। इसके लिए इसका जो सीएमडी होगा, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी का, और इस कंपनी के अंदर इन्हीं के फादर थे राजन नंदा, तो राजन नंदा के बेटे हैं निखिल नंदा, इनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। नौवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग इज, चार ऑप्शन गिवन है, बताना है इसमें से करेक्ट क्या होगा। इसका जो करेक्ट होगा पहले बच्चों, इसका ए होगा। ये बात कर दूं कि आर्टिकल 51 ए, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, और स्पेशल तौर पर बैंक एग्जाम के लिए NMCG की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये किस बैंक ने इसका उठाया है जिम्मेदारी। आस्क टू मॉडिफाई द ATMs टू इजियर डोनेशन बाय द पब्लिक फॉर CGF। तो आपको चार ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि आप अवश्य बताइएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। यस बैंक का आपने हेडक्वार्टर बताना है, ICICI का कहाँ है, मुंबई में। HDFC का हेडक्वार्टर बताएंगे, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसके CEO और बताइएगा। फिर टैगलाइन की बात आएगी, हम लोग बैंकिंग GK कवर करेंगे जब आपको सारे के सारे ट्रिक्स के साथ में समझाऊंगा। इसी के बारे में थोड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, इसको पढ़ लीजिएगा। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ मच डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटेड फॉर द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, इसके लिए कितना पैसा रखा गया भारतीय सरकार के द्वारा, आपको बताना है। 11वां जो क्वेश्चन है, जो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 20,000 करोड़ रुपया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है चार बिल को, मेंड किया है GST लॉ के तहत, तो रेज किया है टर्नओवर, ठीक है, तो वो कितना इसमें बजट रखा गया है, कितना टर्नओवर रखा गया है, 1 करोड़, 1 पॉइंट, यानी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, इसका क्या आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, इसका जो बनेगा 1.5 करोड़। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रशीदा तैलब सेट टू द बिकम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू इलेक्ट द पार्लियामेंट ऑफ, फिर से बताना है आपको, चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, US एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कनाडा की जहां तक बात करें, कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। क्या है प्यारे बच्चों? ओटावा। एंड यहां की जो करेंसी है वो याद रखना है डॉलर प्यारे बच्चों। इसके बाद में आपको जस्टिन याद रखना है, इसकी जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। बात करते हैं यूके की, तो यूके के बारे में आपको स्टैटिस फैक्ट बहुत आसान है, US का आसान है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसकी जो कैपिटल सिटी कैनबरा, यहाँ की जो करेंसी डॉलर, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का, उनका नाम याद रखिएगा कि मैलकॉलम टर्नबुल है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो सी होगा, US की बात करें, US में चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री लॉन्च द फ्रेश, आपको बताना है कि एयर स्ट्रिक्स ऑन गाजा। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और इसके बारे में आपको 101 क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा इसराइल। इन्हीं सभी के स्टेटिस फैक्ट आपको बताने हैं, स्टेटिस फैक्ट ऑलरेडी आपको गिवन है, एक स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, माइकल बैचलेट नेम एज ए न्यू चीफ ऑफ UN ह्यूमन राइट काउंसिल एंड शी वॉज द फॉर्मर 2 times प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, बताना है, चिली, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, वेनेजुएला। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर से मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप इनको जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार ही आपसे पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बार बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जहां से आपको 101% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चिली की बात करते हैं, चिली के स्टेटिस फैक्ट पहले मैं इसका आंसर बता दूं, पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो इसका आंसर ए होगा, चिली। चिली की जो बात करते हैं कि इसकी जो कैपिटल सिटी है इसकी सेंटीगो कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो पैसो है प्यारे बच्चों, और यहाँ के प्रेजिडेंट है सेबेस्टियन पनीरा यहाँ के प्रेजिडेंट है। ऑस्ट्रेलिया की बात हम कर चुके हैं। क्यूबा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्यूबा की जो हवाना है कैपिटल यहाँ की, और यहाँ भी क्यूबियन पैसा चलता है, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी क्या है, माइजल, क्या प्यारे बच्चों, माइजल डैज
कैनल, ठीक है, याद रखिएगा। और वेनेजुएला की आपको मैंने बताई है, जस्ट पिछले बैक वीडियो को आप अच्छे से देखिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने इनोग्रेट किया 650 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड द प्रेजेंट एनुअली बाई द AMPAS, इट स्टैंड फॉर, इसकी बतानी है फुल फॉर्म क्या है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, आपको अच्छे से रट्टा लगा के रखना है इसका। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल बी इंट्रोड्यूस दिस कमिंग ईयर एट द 91st, इट मीन्स 91वां ऑस्कर। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, करेक्ट आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका होगा पॉपुलर फिल्म के लिए दिया जाता है। आगे आपको ऑलरेडी गिवन है इसकी स्टैटिस्टिक्स, द न्यू ऑस्कर विल बी अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन पॉपुलर फिल्म के लिए दिया जाता है। विल बी इंट्रोड्यूस दिस कमिंग ईयर एट द 91st इट्स ऑस्कर। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस विल बी अवार्ड द ऑस्कर एंड हैज हेडेड दिस न्यू कैटेगरी आफ्टर 17 साल ऑफ ऑर्गेनाइज पॉपुलर फिल्म। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच कंपनी ज्वाइन द रिलायंस मनी फॉर रेंडर सर्विसेज द इंस्टेंट लोन, पेटीएम, तेज या पे यू, या हम बात करें कि पे जैप। तो आपको चार ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो इकोनॉमिक्स के बहुत पूछे जाएंगे। पे यू के बारे में बात करते हैं, पे यू इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि विच कंट्री वन द अंडर 16 वेस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप इन अमन जॉर्डन। चलिए इसके चार ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से बताएंगे ताकि आपको आसान रहेगा। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ए, इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वट इज द इनवेसिव पेस दैट द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च रिसेंटली फाउंड इन मेज। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फिर से बताना है करेक्ट इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों सी होगा। 22nd क्वेश्चन है कि हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल मैनेजर ऑफ UIIC, ठीक है। तो याद रखना है कि यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो ये है, ये इसके कौन है, इसका जो आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा श्री एस गोपाल कुमार। आगे बढ़ते हैं। वट आर द टेक्नोलॉजीज दैट द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस फॉर द होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो चार ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्टैटिस्टिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया आपके एग्जाम के लिए। अंडर विच स्कीम द यूनियन गवर्नमेंट नाबार्ड एंड NWDA साइन द रिवाइज MOU है, ये याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है, तो इसको मिस प्रिंट को हम थोड़ा सही कर देते हैं। फॉर द फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, तो चार ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको पूछी जा सकती है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, इसका आंसर होगा, पहला आंसर होगा PMKSY। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु इंटीग्रेट्स इट्स मोबाइल ऐप D&D 2.0 एंड माई कॉल विद द उमंग प्लेटफॉर्म। आपको चार ऑप्शन गिवन है, क्या बताना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका ए होगा ट्राई। आगे बढ़ते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IKEA स्वीडिस एंड होम फर्निशिंग मेजर लोकेटेड। चार ऑप्शन आपको गिवन है, इसका जो प्यारे बच्चों आंसर होगा इसका होगा ए, एंड इसके जो स्टैटिस्फैक्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, इसको पढ़ लीजिए। और आज की सीरीज में ये आपके 100 क्वेश्चन हमने कवर किए, इवन की जो हमारे क्वेश्चन थे वो अप्रोक्सीमेशन 50 क्वेश्चन के आसपास थे, लेकिन इसके स्टैटिस्फैक्ट एडवांस हो जाते हैं, तो इसलिए 100 क्वेश्चन की सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारी क्लास थी, 7th नंबर क्लास थी आपकी 100 क्वेश्चन की। याद रखिएगा, इसी प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल।